नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बात करने वाले रेलवे के अंदर आरपीएफ की नई भर्ती की, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। और इसके साथ अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेलवे, एसएससी, जीडी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके पवन पारिक को सर्च करके फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद यहाँ से मैसेज करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे में जल्द होगी 10,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती, और इस नए ऐप से चलती ट्रेन में दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 नवंबर 2018 की ये न्यूज़ है, पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क की। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे, भारतीय रेलवे ट्रेनों में सफर के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, और इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और मुस्तैद करने के लिए रेलवे जल्द ही 10,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय रेलवे ट्रेनों में सफर के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को मुस्तैद करने के लिए रेलवे 10,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करने जा रही है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ दोनों के जवानों की भर्ती होगी। और रेलवे में सुरक्षा कर्मियों की यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगा। शनिवार को रायपुर पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है। और अरुण कुमार ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए यात्री ही चलती ट्रेन में आपराधिक मामलों की अब शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।